हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार अब इन्वेस्ट फॉरएवर हो गया है, तो डोंट बी कंफ्यूज। और अगर हम बात करते हैं आज की वीडियो की, दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, कल की डेट में कोई वीडियो नहीं आ पाई थी, तो आज की डेट में काफ़ी सारी वीडियोज आएंगी। तो काइंडली प्लीज़ इन वीडियो को देखिए ताकि आपकी नॉलेज शार्प हो जाए कि ब्रेकआउट स्टॉक है, ओके। आप फिर कह सकते हो चार्ट ऑफ वीक भी कह सकते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक कंपनी है जो बोनस और डिविडेंड देने वाली है, और इसे देखिए, ओके। और आज की डेट की जो वीडियो है, कल की डेट में बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आए थे, उनसे रिलेटेड है। तो वो जिन जो अच्छी अच्छी कंपनीज है उनके रिजल्ट मैंने चूज करे हैं, आके देखते हैं किस तरीके के रिजल्ट आए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, एज वेल एज दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि इस तरीके की वीडियोज आपके पास डेली बेसिस पे आए। और मार्केट बंद होने के बाद हमारी वीडियो आनी शुरू हो जाती है, सो वीडियो में बने रहिए। तो अगर हम बात करते हैं आज की डेट की, तो अनुपम रसायन लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर वीडियो अनुपम रसायन आपको पता ही है, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ये शेयर लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस शेयर के रिजल्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें नीचे जाना पड़ेगा तो हमें रिजल्ट पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये इस बार के रिजल्ट है, ये Q4 के रिजल्ट है, Q3 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। टोटल रिवेन्यू की बात करें तो 2741 मिलियन से रुपीज का यहाँ पर रिवेन्यू है, इससे पहले 1895 मिलियन से रुपीज का था, इससे पहले 1652 मिलियन से रुपीज का था। तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने काफी सार अच्छा परफॉर्मेंस करके रेवेन्यू वाइज दिखाया है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस ही बढ़ते हुए दिखाई दिया है ईयरली क्वार्टरली बेस पे, इस बार 2410 है, इससे पहले 1585, इससे पहले 1488। तो अगर बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, टैक्स वगैरह देने के बाद एनपीएटी अगर आता है जो, तो 221 मिलियन से रुपीज का इस बार का प्रॉफिट है, इससे पहले 214.29 मिलियन से रुपीज का प्रॉफिट था, इससे पहले 104.33 मिलियन से रुपीज का प्रॉफिट था। तो ईयरली वाइज कंपनी ने 2x परफॉर्म किया है, बट क्वार्टरली वाइज भी अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। एज वेल एज अगर बात करें इसके ईपीएस की, तो ईपीएस भी देख सकते हैं, 2.70 रुपए का ईपीएस, इससे पहले 2.69 रुपए का था, इससे पहले 2.09 रुपए का ईपीएस था। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, तो इस कंपनी की तरफ निगाहें बना के रख सकते हैं, अनुपम रसायन इसका नाम है। इसके अलावा बात कर ले दूसरी एचएलई ग्लासकोट, बड़ा स्मॉल कैप और बड़ा वॉलेटाइल शेयर है, वॉलेटाइल इन द सेंस बहुत तेज भाग रहा है। एक जो रैली इसने बनाई है बहुत छोटे से प्राइस से, लगभग 3600-3700 रुपए पे ये शेयर चल रहा है। और ये ग्लासकोट मतलब वही इसी तरीके का प्रोडक्ट बनाता है जैसे कि एक कंपनी है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जीएम फॉलर की तरह ही एक कंपनी भी काम करती हुई नजर आती है। तो अगर बात करें डिविडेंड की, आई डोंट थिंक सो कोई डिविडेंड दिया है, और दिया हुआ तो प्लीज मुझे नीचे बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट है, सीधे हम रिजल्ट पढ़ेंगे। इनलैक्स में रिजल्ट है। टोटल रिवेन्यू की बात करें इस बार की, तो 13176 है, इससे पहले 11817, इससे पहले 10204। तो ईयरली क्वार्टरली वाइज रिवेन्यू में जंप है। टोटल एक्सपेंस की बात करें 10875, इससे पहले 9434, इससे पहले 8675 लाख सिंह रुपीज का यहाँ पर खर्चा था। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 1787 लाख सिंह रुपीज, से पहले 1692, इससे पहले 1077। तो कंपनी ने ईयरली बेस पे तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। और बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या देखा था हमने, ये भी प्रॉफिट फॉर द पीरियड था, ये भी प्रॉफिट फॉर द पीरियड, लगभग सेम ही है। और बात करें ईपीएस की, तो यहाँ पर देख लीजिए बेसिक ईपीएस 15.33 रुपए का ईपीएस है इस बार का, और इससे पहले 12.09 रुपए, इससे पहले 8.33 रुपए। तो कंपनी ने ईयरली वाइज तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। चलिए ग्लासकोट की तरफ नजरें बनाइएगा, बट स्मॉल कैप स्टॉक है तो भागेगा भी तेज गिरेगा भी तेज। यहाँ पर पराग डेयरी, यहाँ पर ये शेयर नजर आता है पराग डेयरी, तो डेयरी के प्रोडक्ट आई थिंक ये बेचता होगा। और अगर हम देखें इस, आई डोंट थिंक सो इसने कोई डिविडेंड दिया है, बट अगर हम यहाँ पर और भी नीचे जाते हैं और इसके रिजल्ट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पर आ गए इसके रिजल्ट्स, तो यहाँ पर देखिए इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है। टोटल रिवेन्यू की अगर हम बात करें, टोटल इनकम की, तो 4265 मिलियन से रुपीज का यहाँ पर टोटल इनकम है, इससे पहले 4626, इससे पहले 5240। तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पर रिवेन्यू यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है, इसकी तरफ ध्यान देना। और टोटल एक्सपेंस देखे तो एक्सपेंस भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आया है, 4268, इससे पहले 4495, इससे पहले 5057 मिलियन से रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंस था। तो एक्सपेंस भी कम होता हुआ नजर आया। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स, तो कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है,
मिलियन से रुपीज, इससे पहले 109 मिलियन, इससे पहले 85 मिलियन, तो कंपनी यहाँ पर घाटे में आ गई है, तो थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। और यहाँ पर बात करें ईपीएस की, ईपीएस भी घाटे में आ गया है, 1.44 रुपए का नेगेटिव में ईपीएस है, इससे पहले 1.5 रुपए, 1.30 रुपए, इससे पहले 1.05 रुपए का ईपीएस था, तो थोड़ा फर्क से दूर रहिए। लूमैक्स की बात करें तो लूमैक्स ये एक लूमैक्स अलग है, ये वाला लूमैक्स अलग है क्योंकि 2 दिन पहले भी एक लूमैक्स से रिलेटेड शेयर बनाया था, ये लूमैक्स ऑटो टेक्निकल से रिलेटेड आई थिंक शेयर है। अगर बात करें यहाँ पर डिविडेंड, तो 3 रुपए का यहाँ पर कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया है, और फाइनल डिविडेंड हमेशा लेट आता है, इस बार को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बात करें यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड, तो इनलैक्स में ही यहाँ पर रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें 31,631, इससे पहले 30,261, पहले इससे पहले 22,620 लाख रुपीस का यहाँ पर इनकम थी, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस यहाँ देख सकते हैं 29,446 लाख रुपीस का यहाँ पर एक्सपेंस है, इससे पहले 27,635, इससे पहले 21,774 था, तो एक्सपेंस भी ईयरली क्वार्टरली बेस पे बढ़े हैं। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,549 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, इससे पहले 2,005 था, इससे पहले 626, तो कंपनी ने ईयरली बेस पर बात करें तो काफी बेहतरीन 2x से भी ज्यादा यहाँ पर परफॉर्म किया है। बट अगर बात करें क्वार्टरली बेस पे तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिरावट भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा इस शेयर को। ईपीएस की बात करें 2.27 रुपए का ईपीएस है, सिर्फ 2.94 रुपए, इससे पहले 92 पैसे का ईपीएस था, तो कंपनी की तरफ यहाँ पर भी निगाहें बना के रखिएगा। इसके अलावा इंडियन ह्यूम पाइप्स है कंपनी लिमिटेड, अगर बात करें यहाँ पर ये भी कंपनी पाइप बनाती नजर आती है, प्रिंस पाइप जैसे शेयर भागा था, अच्छे रिजल्ट थे। रिकमेंड डिविडेंड यहाँ पर 2 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। अगर बात करते हैं इसके रिजल्ट की, तो इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, यहाँ पर देखिए टोटल रिवेन्यू 48,103, इससे पहले 28,212, इससे पहले 39,822 था, तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे तो काफी बेहतरीन यहाँ पर रिवेन्यू में जंप है। एक्सपेंस की बात करें तो 42,926, इससे पहले 37,572, इससे पहले 36,471, तो एक्सपेंस भी ईयरली क्वार्टरली बेस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करते हैं तो 3845 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 443 था, इससे पहले 2534 लाख रुपीज का प्रॉफिट था। ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे तो काफी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। और यहाँ पर बात करते हैं और भी चीजों की ईपीएस की, तो 7 रुपए का 8 रुपए के आसपास का ईपीएस है, इससे पहले 5.91 रुपए का था, इससे पहले 5.23 रुपए का यहाँ पर ईपीएस था, तो कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। इंडियन ह्यूम्स इसे ध्यान में रखिएगा, बाकी मंडे को ये भागता हुआ कल नजर आएगा। मैक्स वेंचर एंड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड यहाँ पर रिजल्ट है, और इसके रिजल्ट अगर हम देखें तो थोड़ा हमें नीचे जाना पड़ेगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। थोड़ा स्लो है यहाँ पर ये वाली पीडीएफ, एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट है, इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें 33,393 लाख रुपीज का यहाँ पर इस बार की इनकम है, इससे पहले 29,000 था, इससे पहले 25,000, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे अच्छा परफॉर्म किया है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस यहाँ पर 30,409 है इस बार के, इससे पहले 27,000 था, इससे पहले 25,113, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस ही बढ़े। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं टैक्स देने के बाद 3,359 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 1,265, इससे पहले 343, तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेस काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, और खासकर ईयरली वाइज, तो यहाँ कंपनी की तरफ नजरें बनाइएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं बेसिक ईपीएस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक ईपीएस 88 पैसे का ईपीएस है, इससे पहले 14 पैसे का ईपीएस था, तो कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। मैक्स वेंचर, तो कल की डेट में ये शेयर भागता हुआ दिखाई दे सकता है। सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए सन टीवी कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाते हैं, आई डोंट थिंक सो इन्होंने कोई डिविडेंड दिया है, डिविडेंड दिया होगा तो काइंडली नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर बात करें यहाँ पर रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर जो ये रिजल्ट्स है इन लैक्स में या मिलियंस में वो देखना पड़ेगा, एक मिनट दीजिए। चलो यहाँ पर दे नहीं रखा है, कोई नहीं, कुछ भी माने, हम नंबर से मतलब है, नंबर से एक बार अंदाजा आ जाएगा लैक्स में हो या फिर मिलियंस में हो या फिर करोड़ में हो, इससे फर्क पड़ता है, बट अभी नंबर जिस तरीके से हम पढ़ते हैं उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल इनकम की बात करें 832 है, इससे पहले 1,034 था, इससे पहले 792, तो ईयरली बेस पे कंपनी की टोटल इनकम जंप है बट क्वार्टरली बेस पे गिरावट है। एक्सपेंस की बात करें 329 का यहाँ पर एक्सपेंस है, इससे पहले 441, इससे पहले 466, तो एक्सपेंस भी यहाँ पर घटते हुए नजर आ रहे हैं जो कि काफी बेहतरीन बात है। और बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 449 है, इससे पहले 441, इससे पहले 250, तो कंपनी ने ईयरली बेस पे काफी बेहतरीन, क्वार्टरली बेस पे भी यहाँ पर प्रॉफिट में
जंप है जो कि ईपीएस बताएगा। इससे पहले 11.42 रुपए का ईपीएस था इस बार का, इससे पहले 11.21 रुपए, इससे पहले 6.34 रुपए। तो ईयरली बेस पे कंपनी ने सन टीवी ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है, इसकी तरफ नजर टिका के रखिएगा। केयर रेटिंग, यहाँ पर एक और शेयर नजर आता है इसके, अगर हम बात करें केयर रेटिंग की तो यहाँ पर 6 रुपए का फाइनल डिविडेंड यहाँ पर दिया है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। केयर रेटिंग, रेटिंग से शायद ये कोई कंपनी होगी, रेट करती होगी किसी को। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड तो थोड़ा हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो इसके रिजल्ट हमें आते हुए दिखाई देंगे, ये रे थोड़े छोटे है यहाँ पर अगर देखें। इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की 8525 लाख रुपीज का यहाँ पर इनकम है इस बार की, इससे पहले 6372 72 था, इससे पहले 7340 लाख रुपीज था। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे पर टोटल इनकम में जंप है। टोटल एक्सपेंस की बात करें 5081, इससे पहले 3954, इससे पहले 5304। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे एक्सपेंस कम होता हुआ नजर आया, बट क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो 2648 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 1893, इससे पहले 1568। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि काफी बेहतरीन बात है। और ईपीएस देख लेते हैं, 8.85 रुपए का ईपीएस है, इससे पहले 6.32 रुपए का था, इससे पहले 5.19 रुपए का। तो ईपीएस भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केयर रेटिंग इस कंपनी का नाम है, डिविडेंड भी अनाउंस किया है। एज वेल एज बात करें ग्लॉस्टर लिमिटेड, यहाँ पर एक और कंपनी हमें नजर आती है, यहाँ पर डिविडेंड देखे तो 2500 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, इस चीज को देखिएगा। और यहाँ पर अगर बात करें इसके रिजल्ट से रिलेटेड हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, टोटल इनकम की बात करें 18593, इससे पहले 14480, इससे पहले 11433। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक्सपेंस की बात करें 15823, इससे पहले 12812, इससे पहले 10702। तो ईयरली बेस पे यहाँ पर, क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें 2309 लाख रुपीज, से पहले 1064, इससे पहले 555। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी को होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी बेहतरीन बात है। प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर कंपनी ईयरली क्वार्टरली बेस पे, ईयरली बेस पे तो यहाँ पर कंपनी ने अगर बात करें 4x यहाँ पर प्रॉफिट किया है, और क्वार्टरली बेस पे 2x। तो कंपनी काफी बेहतरीन है, इसकी तरफ नजरें बनाइएगा। यहाँ पर इससे रिलेटेड हम बातें भी करेंगे आगे चल के। 42 रुपए का ईपीएस है, इससे पहले 19, इससे पहले 10 रुपए का ईपीएस था। तो यहाँ पर ग्लॉस्टर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। और बात करते हैं जेके सीमेंट की, तो जेके सीमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिकमेंड अप्रूवल, यहाँ पर शायद एक फंड रेजिंग से रिलेटेड यहाँ पर ये कंपनी जेके सीमेंट विचार कर रहा है। एज वेल एज यहाँ पर डिविडेंड, तो 15 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड भी दिया है, 15 रुपए का ही है ना, एक बार और देख लेते हैं। एट द रेट ऑफ 15 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, हाँ तो 15 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड दिया है। और इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, ये इस बार के रिजल्ट है, Q4 के, Q3 के, लास्ट ईयर के। टोटल इनकम की बात करें 2,08,651 लाख रुपीज, इससे पहले 1,80,000 के आसपास था, इससे पहले 1,50,000। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर इनकम बढ़ती हुई नजर आई है। एक्सपेंस की बात करें तो इस बार के एक्सपेंस भी ज्यादा होते हुए नजर आए हैं क्वार्टरली ईयरली बेस पे, 1,73,000 लाख रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंस है, इससे पहले 1,43,000, इससे पहले 1,24,000। तो एक्सपेंस भी बढ़े हैं। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स की बात करें 6,334 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 23,000 था, इससे पहले 22,000। तो अगर सॉरी 22 लाख का ही प्रॉफिट था। तो ईयरली बेस पे तो कंपनी ने काफी 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 बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, बट ये क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर काफी 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 यहाँ पर गिरावट है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये गिरावट किस वजह से है, तो यहाँ पर शायद टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है। ओके, यहाँ पर टैक्स ज्यादा देती हुई कंपनी नजर आई है। ओके, एक चीज और यहाँ पर और बात करें एक्सेप्शनल आइटम, तो यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम का भी हेर फेर हुआ है। ओके, 16,000 के आसपास, वरना यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पर भी यहाँ पर कंपनी का जंप आता। बने रहिएगा इस कंपनी के साथ। यहाँ पर बात करें ईपीएस के, तो यहाँ पर 8 रुपए का ईपीएस, इससे पहले 30 का था, इससे पहले 3 पैसे का ईपीएस था। तो कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। तो जेके सीमेंट की तरफ बने रहिए, यहाँ पर किसी एक्सेप्शनल आइटम इसमें होगा, किसी तरीके का खर्चा या कुछ और, तो यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम है, इस वजह से यहाँ पर क्वार्टरली बेस पर गिरावट है। ईयरली बेस पर अच्छा खासा जंप है। ग्लॉस्टर माइंड ब्लोइंग रिजल्ट, केयर रेटिंग अच्छे खासे रिजल्ट, सन टीवी के भी रिजल्ट अच्छे खासे एवरेज कह सकते हैं। ओके, एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर और भी कंपनी की, तो ये कौन सी कंपनी है, थोड़ा हमें मैक्स वेंचर बेहतरीन रिजल्ट, द इंडियन होम्स गजब के रिजल्ट, लूमैक्स ऑटो अच्छे ठीक ठाक रिजल्ट है। एज वेल एज बात करें पराग मिल्क, दूर रही है। और यहाँ पर दूसरी कंपनी कौन सी है, ये HLE ग्लासकोट, काफी बेहतरीन रिजल्ट।
और इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की, तो ये है अनुपम रसायन बेहतरीन रिजल्ट। तो ये जो इतनी भी कंपनी है इनकी तरफ नजरें बनाइएगा, मंडे को भागेगा, इनके रिलेटेड हम वीडियो भी बनाएंगे और एक स्टडी करेंगे, फाइनेंशियल टेक्निकल सब स्टडी करेंगे और एक एंट्री लेने की कोशिश करेंगे इन शेयर्स में। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, बाकी हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।